हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी का सीन ये है ना, आपको पता होगा मैंने यहाँ पे अपने पोर्ट्रेट्स लगाए थे जो कि आप लोगों ने ही भेजे हैं। तो ये एक एक करके सारे निकल रहे हैं बिकॉज मैंने डबल साइडेड टेप से लगाए थे। तो मैं अब सारों को निकाल के यहाँ पे ना फ्रेम लगाएंगे। इतने सारे फ्रेम पड़े हैं यहाँ पे देखो, इन सब में आर्ट वर्क्स डालूंगा मैं और फिर फ्रेम को अच्छे से जिस तरह से अच्छे लगे उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा मैं। बिकॉज ये तो सारे निकल रहे हैं तो इस तरह से लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डबल साइडेड टेप लगा के मैंने गलती कर दी बिकॉज अब ये निकल नहीं रही है, इससे मतलब पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी। तो अगर मैं फ्रेम लगाऊंगा तो फ्रेम के पीछे छुप जाएगा। देखो ये निकल नहीं रहा, दीवार ख़राब हो रही है इससे। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कि मैं कह सकता हूँ, मैंने अपनी पूरी वॉल ख़राब कर ली है। ये मिस्टेक आप मत करना, कभी भी डबल साइडेड टेप मत लगाना वॉल पे, अपने घर की वॉल पे, नहीं तो मम्मी पापा से मार पड़ेगी। बाय द वे मैं तो इसको छुपाने के लिए मैं तो फ्रेम लगा दूंगा। गिरा कर गिला है ये, तो तेरी टी शर्ट है। ये मेरी पजामा है। Yeah yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna. ये जो glass है ना, इनमें इतना ज्यादा धूल भरी हुई है तो न्यूज़पेपर से साफ करने पड़ेंगे। यहाँ पे फिर झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा। Yo, I already done it, and I got your little boo telling. और इनो, वो आवाज से डर रहा है। और इनो, गाइस अब देखना आवाज आएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा भागते भागते। कर क्या रहे तू पागल इंसान? मेरे को क्यों मारे? तू मेरे को क्यों मारे? सो ये सभी फ्रेम्स हैं जिनमें मैंने अपनी ड्राइंग्स लगा ली है। ये है आई ड्राइंग, पीयूष की बनाई थी मैंने और ये तो सबको पसंद है। ये पेन से बनाई थी, एक ये बच्चे की रोते हुए, ये एक बाहर के आर्टिस्ट ने मुझे बना के दिया था कैरिकेचर मेरा, और ये सब्सक्राइबर ने बनाया था, ये भी सब्सक्राइबर ने। बाकी फ्रेम्स में मैंने ये सब डाले हैं और मुझे ये भी डालने हैं, एक ये वाला देखो शिप वाला और एक ये मेरी आईज़। ये तो ओनली 8 फ्रेम्स हैं, मेरे पास कम से कम 15-20 तो होने चाहिए जो कि मैं इस वॉल पर लगा पाऊँ। फिलहाल जो ये है ना, इन सबको मैं निकाल दूंगा और इनका देखेंगे इनको कहाँ लगाना है किस तरह से। यहाँ तो ओनली फ्रेम्स लगेंगे। अब सारी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स निकालता हूँ, उनको फ्रेम करवाना है। Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. So, ये सभी हैं A1 साइज के वर्क। ये मम्मी जी का जिसको फ्रेम कराएंगे, ये भी A1 साइज का है। एक ये है, ये तो पक्का फ्रेम कराऊंगा, ये तो मेरा फेवरेट है। इसको अराउंड 1 महीना लग गया था बनाने में। एंड इसको भी 100% फ्रेम कराऊंगा, एंड इसको भी कराऊंगा। एंड एक ये है, एंड इसको भी 100% कराऊंगा, एंड इसको भी, एंड ये तो रिसेंटली बनाया था अभी। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनमें कुछ लोग लिखते हैं कि ये सब फेक है, ये तो मेरी ड्राइंग नहीं है। जिनको पता नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा आर्ट चैनल भी है जो ओनली सिर्फ व्लॉगिंग चैनल पे आया सीधा। तो ये सभी गाइस ड्राइंग ही है, जिनको नहीं पता मेरे आर्ट चैनल पे देख लो, आपको वीडियो मिल जाएगी किस तरह से मैंने बनाया इनको। एनीवेज जो जो मैंने आपको बताए उन सबको फ्रेम करवाएंगे, बाकी देखूंगा बिकॉज बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा अगर सारे फ्रेम, क्योंकि एक एक फ्रेम 500-600 रुपए का हो जाता है। तो ये तो हैं भी बहुत सारे, बट जो भी है यहाँ पे लगे हुए काफी प्यारे लगेंगे। अगर अंदर घुसे हुए तो अच्छे लगते नहीं है, अब बनाए हैं फ्रेम करवा के लगेंगे तभी तो अच्छे लगेंगे ना। तो मैं कल रात को यही सोच रहा था कि यार लगा देने चाहिए मुझे, ऐसे तो वीडियो में भी दिखेंगे, ब्लॉग बनाऊंगा तो। क्या हुआ? कोई आर्ट वर्क फाड़ देगा, मेरे आर्ट वर्क फाड़ दे। एंड टुडे आई रिसीव्ड दिस माउंट फॉर माय GoPro, तो अब मैं ये वाला हेलमेट भी यूज़ कर पाऊँगा। पता है इतना सा माउंट मुझे मंगवाना पड़ा, 350 रुपये का इतना सा। फ्रेम करवाने की सोच रहा था और आज निकला संडे तो मार्केट बंद होगी, तो कल ही जाएंगे फ्रेम करवाने के लिए। अभी अभी बाय किया है मैंने फिल्मोरा 9 एडिटिंग सॉफ्टवेयर। काफ़ी लोग पूछते कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा 9। तो खत्म किया था तो मंगवाया, जो कि मुझे पड़ा 3,300 कुछ रुपये का पड़ा, एक साल का एडिटिंग। तो आपने देखी, एडिटिंग के लिए ना मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर ज़्यादा मैटर नहीं करता,
आपके स्किल्स, आपको क्या दिखाना है ऑडियंस को, किस तरह से दिखाना है, वो मैटर करता है मेरे ख्याल से। मेरे पास इसका क्रैक भी था, बट क्रैक यूज़ करने में ना डर लगता है बहुत, क्योंकि पता नहीं किसने बनाया है, कोई हैक कर ले, इससे बढ़िया खरीद ही लो। काफ़ी लोग वॉइस ओवर के बारे में पूछते हैं कि वॉइस ओवर किस तरह से करते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास माइक है जो कि अभी मैं इसमें नहीं लगा रखा, तो आपको बिना माइक की आवाज़ आ रही होगी। ये मेरे पास है साउंड कार्ड, इसको लगाया इसमें और इसको मैं अपने हाथ में इस तरह से पकड़े रखता हूँ और फिर बोलता हूँ, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फंड फलाना ढिमकाना, जो भी बोलना है सब कुछ बोल देता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ एज ए, क्योंकि चैनल ग्रो हो रहा है, काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, काफ़ी लोग व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ हाउ टू व्लॉग पे, कि मेरी क्या जर्नी रही, क्योंकि मेरे व्लॉग हो चुके हैं 360 व्लॉग में 200 व्लॉग तो मेरे कंटिन्यूसली है, मतलब 200 दिन तक एक भी दिन मैंने गैप नहीं किया है। मतलब पता नहीं कहाँ से कंटेंट मिलता है, कहाँ से वीडियो बन जाती है डेली लाइफ की, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं आया 200 दिन में। और कहीं ना कहीं यही रीज़न मुझे लगता है मेरे चैनल ग्रो करने का, कि मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया है, डेली व्लॉग्स किया है, तो लोगों को आदत सी हो गई है, लोगों को सस्पेंस सा लगता है कि यार आज इसकी लाइफ में क्या होगा, कल क्या होगा, तो इसलिए डेली डेली इतने व्यूज़ आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, तो मेरे को तो ये रीज़न लगता है। सो आई थिंक डेली व्लॉग स्टार्ट करने का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, और अब देखो मतलब डेली 4 लाख 5 लाख एक ही दिन में, और साथ ही साथ में ना मुझे डर लगता है कि मतलब मैं डिजर्व करता भी हूँ या नहीं, इतने लोग देख रहे हैं, कुछ गलत ना बोल दूँ वीडियो में, कुछ गलत ना कर दूँ, बिकॉज मैं तो अभी एक छोटा सा मतलब बच्चा ही हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे लाइफ में, मुझे बहुत मैच्योर लोग देखते हैं, तो मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, आप कमेंट्स में लिखते हो। एनीवेज अभी 4 बजने वाले हैं और आज नवरात्रि का सेकेंड डे है, तो नीचे मम्मी अम्मा का शायद पापा जी तीनों का व्रत है ही आज भी, हम तो रख नहीं रहे बट हमारे बड़े पेरेंट्स रख रहे हैं। क्या नीचे जाना है नीचे? इतना मासूम चेहरा बना लेता है ना ये, सच्ची में डेली मैं इसके साथ इतना खेलता हूँ ना, का इतना खेलता हूँ, मैं वीडियो में नहीं दिखाता बट इसी तरह से देखो, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत मैं हरकतें कर दूंगा, थोड़ी बहुत क्या हरकतें कर देगा, तो इसको चल जाता पता कि मेरे को इसके साथ खेलना है, इसको मेरे साथ खेलना है, हम दोनों खेलते रहते हैं, है ना वरी? अब आराम से बैठ गया देख। तो कैसे चल रहा है आपका व्रत? सही चल रहा है व्रत? बहुत बढ़िया। आपका अम्मा आपका? आज तो मेरा व्रत नहीं है यार। आपका नहीं है? नहीं है, एक ही दिन रखा था। अरे मेरी तबीयत कुछ ढील डाली। कोई बात नहीं, तबीयत के हिसाब से आ जाओ। अरियो ले, वो तू यहाँ पे क्यों छुप के बैठा है, लेटा है, सॉरी खड़ा है, इसके मुंह में ही नहीं आ रही इतनी बड़ी बॉल है, अरे मुंह में ही नहीं आ रही। उसके हाथ में ना, मुंह में ना, कहीं भी नहीं आ रही, उसके ऊपर ना गिर जाए यार, ओए उसके ऊपर ना गिर जाए, उसको लग जाएगी भाई, ऐसे मत कर यार, उसके पैर में ना लग जाए बस। तो अभी पीयूष नाराज हो चुका है, पीयूष को थोड़ा डांट दिया था मैंने, डांट दिया था, मारा था, मारा था। अम्मा ऐसे करने को मारना बोलते हैं? ऐसे थोड़ी लगता है, ऐसे तो कर सकते हैं यार, तेरा भाई ठहरा, बड़ा भाई ठहरा, और तू भी ऐसा बेफर, क्या हुआ फिर, क्या कहा, तेरा भाई है भी भाई, कैमरा टूट जाएगा, टूटने दो, ऐसा टूटने दो, देखो अम्मा कैसे कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं, मेरी रोजी रोटी है और कह रहे टूटने दो, सबकी है, जा, एक ही, अच्छा आपकी भी रोजी रोटी यही है, हमारी भी है, सब इसी के उधर से खा रहे हैं, पकड़ो लो फिर, पकड़ो बोलो, जा तेरा भाई है, बड़ा भाई है तेरा, कहना मानते हैं, क्या हुआ फिर, डाका तेरे को, क्या हुआ, तेरा भाई है फिर, जब बेफजूल मारेगा हम भी तो डांटेंगे उसको, हाँ डांट रही हूँ उसको, क्यों मारा तूने, कह रही हूँ मारो फिर मैं इसको, अच्छा मारूंगी अभी, लकड़ी लाती हूँ, मारो तेरे को, ये तो हल्की लग रही है उससे, तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है हमारे दादाजी से, हमारे दादी और दादाजी भी बात करेंगे, आप करोगे? नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, नहीं दिखाऊंगा, अभी तो पापा जी कर रहे हैं, फिर अम्मा करेगी, अम्मा जब बात करती है घंटों घंटों बात करती है, पता नहीं क्या बात करती होगी अम्मा, क्या बात करती है अम्मा, हाँ चलो चलो, वो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम हेलो नहीं कहती है, हेलो मार
देखी हो क्या? अभी वीडियो है, तब मेरे को आराम से मारो वरना सिर पे आता है इतना तेज वाला भाई। यहाँ से सिर पे हाथ पहुँचता ही नहीं पहले। अच्छा केदारनाथ, तो कुछ दिनों में बहुत अच्छी चीज होने वाली है, बताइए मत अभी नहीं, बाद में बताएंगे। हमारी लाइफ में यही बोलते रहता हूँ मैं, आज ये होने वाला है, कभी क्या होने वाला है, कभी क्या होने। सत्संग वाले लोग आ चुके हैं, सत्संग वाले लोग कहाँ गायब थे दो दिन से। आज तो घर ही हूँ मैं, कहाँ हूँ गायब। ओरियो खा रहा है, पिए ना यार पनीर। देखो हमको पनीर नसीब नहीं होता, ओरियो को होता है। सब्जी सब्जी बनानी है थोड़ी सी, अरे ले आएंगे पियू सर में, चले चलो अभी पनीर लेके आते हैं। और बताओ, और हुक्म करो, हुकुम करो। मैं करूंगा, ले आए बाबा जी को 10 रुपए के तू तरे खाना। आजकल गाइस ओरियो के इतने नखरे हो रहे हैं ना, खाना नहीं खा रहा है जब तक उसको ऐसे हाथ में नहीं दे रहे हैं और ऊपर से उसके बर्तन में दे रहे हैं तो नहीं खा रहा है, नीचे रख रहा है, जब नीचे रखा है ना तो खा रहा है। इतने नखरे, खाना दोगे सूंघ के भाग जाएगा, फिर उसके पास जाके उसके पास बैठ के उसके मुँह पे ऐसे हाथ लगा के हाथ में रख के तब खिलाओ, नीचे रख के तब खा रहा है। ऐसे नीचे अलग ही स्वैग हो रहा है, बड़ी मम्मी के हाथ से खाता है वो ज्यादातर। इस हाथ से पकड़ो ना। हेलो गाइज, मैं अब दूध लेने जा रही हूँ और सब्जी रोटी सब बनानी है। मैंने दिन भर मतलब व्रत रखा है, अच्छा हो रहा है, माता रानी की कृपा से व्रत बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अब फिर बनाऊंगी ब्लॉग, एक बार रोटी सब्जी बना लेती हूँ और दूध ले आती हूँ। सारा काम करना है मेरे को तो घर का, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता मेरे को, इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना सकती मैं तो फिर बनाऊंगी थोड़ा। अभी क्या है, कौन व्लॉग बनाने की। तो अभी है आरती टाइम और वो है हमारी ज्योत जो कि कल सुबह सुबह जलाई थी और ये पूरे 9 दिन तक ऐसे कैसी रहेगी। फिलहाल अभी पूजा करेंगे सारे। और ये पंडित जी हमारे, हमने हमारे घर पे पंडित जी रख लिए हैं जो कि परमानेंट पंडित जी हैं। तो ये है हैप्पी सेकंड नवरात्रि सभी को। अभी फिलहाल मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इन दिनों ना मतलब एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है क्योंकि सुबह शाम इस तरह से पूजा होती है, सारे व्रत रखते हैं, जय माता दी होती है हर जगह तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a